ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब मस्त होंगे। आई होप कैमरा एंगल सही है, ऑडियो सही है, अनलाइक लास्ट वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव ऑन रिस्पॉन्स ऑन द यस दी एडवेंचर वीडियो जो मैंने डाला था। 23,000 व्यू गए तो आई लाइक इट। तो मैंने सोचा चलो रिव्यू वीडियो ही बनाते हैं। तो अभी मैंने बोरो किया मेरे फ्रेंड का होंडा सीबी हाइनेस। इट्स अ 2021 मॉडल, लवली लाइट ब्लू कलर विद लाइट एंड वाइट। एंड हम लोग ट्राई कर रहे हैं मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में। मेरे लिए काफ़ी छोटा बाइक है क्योंकि मैं 6'1" का हूँ, बट बाइक रिव्यू करना था मुझे क्योंकि यार सीबी हाइनेस का जो फायरिंग है वो माइंड ब्लोइंग है। इसका लिटरली मेरे पास क्लासिक 350 हुआ करती थी, इट इज़ अनमैचेबल। और स्मूथनेस भी लग रही है गाड़ी में। चलो ये एक सिग्नल है 50 सेकेंड का, लेट्स वेट एंड देन रोल ऑन द हाईवे रिव्यू ऑफ होंडा सीबी हाइनेस। लेट्स गो। आर यू एक्साइटेड गाइस? कमेंट में बताइए। अनुप सूट कर रहे तुम पे क्या फायरिंग है यार। इसका टॉप स्पीड क्या है? 120 ना। So let's see the pickup. Oh, lovely. So guys, pickup काफी अच्छा है होंडा सीबी हाइनेस का। And जो इसका thump है guys, classic 350 से quite better है। I can feel the thump. And braking is also quite good. Unlike Royal Enfields. वाओ, पावर डिलीवरी भी काफ़ी अच्छा है। थर्ड में भी टॉर्क इनफ दिया हुआ है होंडा ने। एंड अभी हम लोग फोर्थ गियर में हैं तो बाइक इज गोइंग क्वाइट स्मूथ यार। इसका हॉर्न का है लेकिन हाँ थोड़ा यहाँ पे है। तो यूज़ टू होने कंट्रोल्स के लिए मुझे टाइम लगेगा, तो मैं सिर्फ बाइक का इंजन का फील लेता हूँ फिलहाल और आप लोग को इंजन के फील के बारे में बता देता हूँ। इंजन तो मुझे काफ़ी स्मूथ लगा और इतना स्मूथ जा रहा है ना पता ही नहीं चल रहा। हाईवे पे ट्रैफिक है तो गाड़ी भगाने नहीं मिल रही, बट ठीक है। लवली यार, थर्ड फोर्थ गियर ऑल्सो हैज नाइस पिकअप एंड द ब्रेकिंग इज ऑल्सो ब्यूटिफुल यार। होंडा हैज डन अ गुड जॉब ऑन दिस आई वुड से। सो टॉल राइडर्स के लिए आई वुड नॉट से दिस बाइक इज गुड। मेरे अभी मेरा हाइट 6'1" है, बट डेफिनेटली 5'6" 5'8" के रेंज में दिस बाइक शुड बी गुड। एंड टूरिंग का कंफर्ट भी लग रहा है मुझे, बट इट वुड नीड्स लाइट मॉडिफिकेशंस ऑन द हैंडल बार। बाकी सिटी राइड के लिए ये परफेक्ट बाइक होनी चाहिए, परफेक्ट लाइक मोर देन परफेक्ट। स्टॉलिंग बिल्कुल नहीं है थर्ड गियर पे भी। यही चीज़ मैं रॉयल एनफील्ड पे करूँगा तो डेफिनेटली इंजन स्टॉल होगा, बट होंडा में बिल्कुल नहीं है यार। गियर रेशो इज इक्वली नाइसली डिस्ट्रीब्यूटेड, मज़ा आ रहा है काफ़ी। सॉरी गाइज, मैं ग्लव्स नहीं पहन रहा हूँ क्योंकि लोकल सिटी राइड ही है, तो डोंट माइंड। एंड क्वाइट निम्बल है गाड़ी, लाइट वेट भी है तो आप इजीली मैनूवर कर सकते हो इसको। सस्पेंशन थोड़ा मुझे हार्ड लगा इस गाड़ी का,
ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग दैट मैं एडीवी चलाता हूँ ज़्यादा, तो उसका सॉफ्टवेयर होता है। बट यार बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बाइक इज़ द इंजन रिफाइनमेंट एंड एग्जॉस्ट नोट। तो जो लोगों को रॉयल एनफील्ड बुलेट हैवी लगती है और नहीं पसंद है, तो उनके लिए होंडा सिवी हाइनेस इज़ वन ऑफ द परफेक्ट बाइक टू बाय देयर इन मार्केट एंड लुक्स ऑल्सो प्रीमियम। सो ऑल राइट गाइज, काफ़ी ज़्यादा भगाने नहीं मिल रहा है, बट ओवरऑल मेरा रिस्पॉन्स इज ये बाइक इज़ वेरी गुड फॉर सिटी ट्रैफिक एंड हाईवे टूरिंग के लिए भी अच्छा है फॉर शॉर्ट राइडर्स। बाकी द इंजन इज स्मूथ, द एग्जॉस्ट नोट इज अमेजिंग एंड कंप्लीट रिव्यू तो नहीं कर रहा हूँ मैं बाइक का, जस्ट हाईवे रिव्यू टेस्ट रिव्यू है। मुझे काफ़ी पसंद है स्मूथनेस बाइक का। तो फिलहाल ये रिव्यू यहीं पे एंड करता हूँ मैं, एंड ज़्यादा से ज़्यादा एग्जॉस्ट नोट सुन लीजिए।